A very good morning to all of you. My name is Manas Pandey and I am going to start the next topic, which is flywheel. Before this topic, we already have discussed about two main topics. Number one, turning moment diagram basics. After that, we discussed about the turning moment diagram for IC engine, as well as we discussed about the turning moment diagram for single cylinder double acting steam engine. Now, in order to understand the topic flywheel, you must have the knowledge of governor. There is a basic difference between governor and the flywheel. देखिए, governor का काम भी है speed को control करना, flywheel का काम भी है speed को control करना, but with a basic difference. Governor कब speed control करता है? Due to the variation of load. Governor is a device which controls the speed of engine whenever there is a variation of load. But flywheel का काम भी है क्या करना? Speed को control करना. लेकिन कब speed control करती है? Whenever there is a variation of टॉर्क. इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा. एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम देयर इज अ टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर आईसी इंजन फोर स्ट्रोक इंजन. आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें क्या है, ये टर्निंग मोमेंट बार बार वेरी कर रहा है. इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में. इफ हैव एनी कंफ्यूजन कैन गो थ्रू दैट वीडियो, सो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू. देखिए, ये है मेन टॉर्क. ठीक है, मतलब इस मेन टॉर्क की हमें इतनी ही जरूरत है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा. इससे कम है इसका मतलब हमें क्या करना है, सिस्टम इस समय क्या कर रहा होगा, रिटार्ड कर रहा होगा. इससे ज्यादा हमको कर्व मिल रहा है तो इसका मतलब इस समय सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा होगा. लेकिन हमें जरूरत किसकी है, सिर्फ और सिर्फ इस मेन टॉर्क की. इसको आप मान सकते हैं कि इस मेन टॉर्क पे जो स्पीड है वो भी क्या होगी, स्पीड भी जो होगी वो मेन स्पीड होगी. ठीक है, अब मुझे देखिए, जब जरूरत से ज्यादा हमको चाहिए कितना, मेन टॉर्क या मेन स्पीड के बराबर. लेकिन यहाँ पे क्या है, जरूरत से ज्यादा मिल रहा है, तो फ्लाईव्हील क्या करता है, फ्लाईव्हील इस जरूरत से ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर लेता है. ठीक, और बचे हुए तीन स्ट्रोक में, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ स्ट्रोक में इसको सप्लाई कर देता है. तो फ्लाईव्हील की डेफिनेशन क्या हुई, फ्लाईव्हील देखिए, फ्लाईव्हील एक डिवाइस है जिसका काम है एनर्जी को स्टोर करना. फ्लाईव्हील इज ए डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी व्हेन देयर इज एक्सेस. जब ये एक्सेस हो, मतलब कौन सा स्ट्रोक में, एक्सपेंशन स्ट्रोक में एनर्जी एक्सेस रहती है, उस समय उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और बचे हुए तीन स्ट्रोक में रिलीज कर लेता है. पहली डेफिनेशन. दूसरी डेफिनेशन, फ्लाईव्हील एक डिवाइस है जिसका काम है क्या, इंजन की स्पीड को कंट्रोल करना. यहाँ देखिए, फ्लक्चुएट कर रही है, ऐसी स्पीड कभी बढ़ रही होगी कभी घट रही होगी. तो फ्लाईव्हील का काम है इंजन की स्पीड को कंट्रोल करना. कब, जबकि टॉर्क वेरी करे. समझ में आ गया, गवर्नर भी एक डिवाइस थी जिसका काम भी था इंजन की स्पीड को कंट्रोल करना, लेकिन वो कब कर रहा था, जब लोड वेरी कर रहा था. यहाँ पे कौन वेरी कर रहा है, यहाँ पे टॉर्क की वेरिएशन की वजह से. जब नाउ टेल मी वन थिंग, ठीक है, जैसे टॉर्क वेरी कर रहा था, ये देखना है टॉर्क वेरी कर रहा है, इसी के अलोंग इसके साथ ही स्पीड भी वेरी कर रही थी. कभी स्पीड मिनिमम हो जा रही थी, कभी स्पीड मैक्सिमम हो जा रही थी. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो मैक्सिमम स्पीड ये है मान लीजिए और मिनिमम स्पीड ये है, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. ठीक है, ये एक दिस इज वन मोर अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज फ्लाईव्हील, दैट यू ऑलरेडी हैव नो. सेकंड थिंग इज व्हाट इज मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. बिफोर दिस वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड 1 मिनट बिफोर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड लेट अस डिस्कस इट. It is the ratio. It is the ratio of maximum fluctuation of speed, which we already have discussed, and to the mean speed. And now you can tell me that what is mean speed? If n1 is the maximum speed and n2 is the minimum speed, then the value of mean speed will be n1 plus n2 by 2. Now we can find out the value of coefficient of fluctuation of the speed. As you know, the coefficient of fluctuation of speed kya hoti hai? ये सामने आपको दिख रहा है. देखिए, CS बराबर होता है n1 minus n2 upon n, where n is the mean speed and the value of that will be n1 plus n2 upon 2. This is the first formula. आप ये जानते हैं कि जो W होता है उसको बोलते हैं angular speed, और इसकी वैल्यू होती है 2πn/60. तो 2πn/60 है, तो n जो है वो W के प्रोपोर्शनल होगा. तो हमने n और W के फॉर्म में लिख दिया. तीसरा चीज ये बताइए, v बराबर क्या होता है. v अगर लीनियर वेलोसिटी है तो वो बराबर होता है r(ω). ओमेगा इज दी एंगुलर वेलोसिटी, वी इज दी लीनियर वेलोसिटी. ठीक, तो ये बताइए, लीनियर स्पीड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं ये तीनों, क्योंकि वी जो है वो ओमेगा के प्रोपोर्शनल है. तो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, तीन फॉर्मूले हो गए. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हिच इज कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस. कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस इज वेरी मच इजी. अगर आप ऊपर वाला समझ गए होंगे तो उसका यूनिवर्सल, उसका रेसिप्रोकल, उसका अपोजिट 1/कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस.